बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर तक रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर निर्वाचन कार्यालय के बाहर और आप देख सकते हैं कि 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर यहां पर काउंटर बनाया गया है और यहां पर ही जो प्रत्याशी आएंगे वह नॉमिनेशन करेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे। हम आपको अंदर की क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी की टीम, यहाँ पर हेल्थ टीम मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और ये DCLR कार्यालय में यहाँ पर जो प्रत्याशी आएंगे आज से लेकर के 8 अक्टूबर तक, उसको लेकर के पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हेल्प सेंटर बनाया गया है और किसी भी कोई भी लोगों को जो प्रत्याशी है, DCLR से जब बात हुई निर्वाची पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी है उसके साथ दो ही लोग आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ अभी तक हालांकि यहां पर कोई भी प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए, नॉमिनेशन के लिए नहीं आए, लेकिन जो प्रशासन है उसकी ओर से पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई और आप देख सकते हैं कि इस कैंपस में सुरक्षा बल के साथ दंडाधिकारी मौजूद है। हालांकि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को भी खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा यह कह पाना मुश्किल है, कौन से प्रत्याशी आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं आए और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर।